नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जीओवी पीवीटी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन रोजगार से जुड़े समाचार मिलेंगे, जहां से आप रोजगार के लिए आवेदन भी भर सकते हैं। हमारे इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। अब पटना से उत्तर प्रदेश जाना होगा आसान, सोलर लाइट लगाने में पंचायत प्रतिनिधि नहीं करेंगे दखलंदाजी। बिहार में जल्द ही होगा सोना उत्खनन का काम। डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी लहरी ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार में इस दिन तक खत्म हो सकती है ठंड, मौसम वैज्ञानिकों ने दिए संकेत। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब पटना से उत्तर प्रदेश जाना होगा आसान, अगले महीने से राजधानी पटना से शाहबाद और उत्तर प्रदेश आना जाना आसान होने वाला है। कोइलवर में बन रहे नए पुल की दूसरी लेन बनकर लगभग तैयार हो गई है। उम्मीद है कि अगले महीने इसकी शुरुआत हो जाएगी। अगले महीने इसका काम 100% पूरा हो जाएगा। सब कुछ सही रहा तो मार्च अप्रैल महीने में कभी भी इस पुल का विधिवत उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद नए पुल के दोनों लेन से गाड़ियां फर्राटा भरने लगेंगी। कोइलवर पुल के एक लेन का उद्घाटन 10 दिसंबर 2020 को हुआ था। दक्षिण हिस्से का लेन चालू होने के बाद उत्तर की तरफ 3 लेन सड़क पुल का काम लगातार चलता रहा। कोइलवर अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल के उत्तर में ही समानांतर 1.528 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े 36 लेन पुल के नवनिर्माण का शिलान्यास 22 जुलाई 2017 को आरा के क्षेत्रीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने किया था। महीने में दूसरी बार धान अधिप्राप्ति को लेकर सीएम नीतीश करेंगे समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में जू सफारी का उद्घाटन करने के बाद आज शाम में पटना में धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बिहार सरकार ने इस साल 45 लाख टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा था। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 45 लाख टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। इसके साथ 2020-21 में दलहन का उत्पादन 4 लाख टन हुआ है, जो 2019-20 के मुकाबले 60,000 टन अधिक है, जिसके बाद ही सीएम नीतीश धान अधिप्राप्ति के साथ साथ बिहार में रिकॉर्ड अनाज उत्पादन की समीक्षा करेंगे। ऐसे में अब जो भी किसान अपना धान बेचना चाहते हैं, सरकार उसको जल्द से जल्द खरीदने वाली है। ऐसे में सरकार आगे से क्या कुछ फैसला लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बता दें कि इसी महीने 2 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणिमार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की थी। बिहार में जल्द ही होगा सोना उत्खनन का काम। कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी साझा की गई थी कि बिहार के जमुई जिले में देश का सबसे अधिक सोने का भंडार देखने को मिला है, जिसके बाद से ही सरकार भी सोने के भंडार को जल्द से जल्द निकालने का काम शुरू करने की बात लगातार कहती आ रही थी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार जल्द ही उत्खनन विभाग की टीम जमुई पहुंचने वाली है। इतना ही नहीं, इस दौरान मंत्री जी ने जिले के सोनो प्रखंड के चुरहैत गांव के पास करमटिया, जिसे कि सोनमटिया भी कहते हैं, वहां स्वर्ण भंडार होने की बात कही है। बताया गया है कि देश का 44% सोना इसी जगह पर है। यहां 223 मिलियन टन स्वर्ण भंडार होने का सरकार को भी अनुमान है। बिहार में इस दिन तक खत्म हो सकती है ठंड, मौसम वैज्ञानिकों ने दिए संकेत। बिहार में ठंड का सितम जारी है। सुबह और रात को ठंड का एहसास लोगों को अभी भी हो रहा है। हालांकि धूप निकलने के कारण लोगों को ठंड से राहत भी मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि इन सबके बीच मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बने होने के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। पछुआ हवा की गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद तो नहीं है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री की वृद्धि के आसार जरूर जताए गए हैं। बीते दिन की ही बात करें तो मंगलवार को सबौर और जमुई राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा। बिहार के डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को मिली बड़ी राहत। देशभर के साथ ही बिहार में भी कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद ही अब बिहार में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को छुट्टियां मिलने वाली हैं। सरकार ने इस बाबत संक्रमण को देखते हुए सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को 28 फरवरी तक रद्द कर दिया था, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने जो नया आदेश जारी किया है उसके मुताबिक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को अवकाश मिल पाएगा। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट के बाद ही सभी पाबंदियों को खत्म किया जा चुका है। 12 फरवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद उक्त आदेश जारी कर दिया गया था। पटना पायरेट्स ने अपने नाम की लगातार 7वीं जीत। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी पटना पायरेट्स हर दिन के साथ अपने नाम अलग अलग जीत का रिकॉर्ड बना रही है। इसी कड़ी में पटना पायरेट्स टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन के 120वें मैच में बेंगलुरु बुल्स को 2 अंक से हरा दिया। पटना की यह लगातार 7वीं जीत रही। पटना के सीजन की 15वीं जीत में उसके डिफेंस का अहम योगदान माना जा रहा है। डिफेंस ने कुल 17 अंक जुटाने में कामयाबी हासिल की, जिसमें मोहम्मद दिरेजा,
शादुल और सुनील के हाई फाइव शामिल है। रेड में मोनू गोयत ने 9 अंक लिए। बता दें कि इससे पहले प्रो कबड्डी के 116वें मुकाबले में पटना पायरेट्स ने तेलुगु टाइटन को रोमांचक मुकाबले में हराया था। पटना पायरेट्स ने 38 पॉइंट किए थे तो वहीं तेलुगु टाइटन्स महज 30 पॉइंट ही जोड़ पाई थी। पटना पायरेट प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी अब बन चुकी है। हाईकोर्ट ने फिर रोकी मास्टरों की भर्ती। बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र देने की बात शिक्षा मंत्री ने बीते दिन ही कही थी। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को अब स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री की माने तो पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग को यह फैसला लेना पड़ा है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन में 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन देने का मौका देने का आदेश जारी किया है। शिक्षा मंत्री की माने तो फिलहाल पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया स्थगित की गई है, लेकिन सरकार की तरफ से पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा जाएगा। सरकार कोर्ट को बताएगी कि इस नियोजन की प्रक्रिया के तहत अब नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में पहुंच गई है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 2 साल बढ़ाने के बाद भी 2019 में समाप्त हो गई थी। सोलर लाइट लगाने में पंचायत प्रतिनिधि नहीं करेंगे दखलंदाजी। बिहार के गांव जल्द ही सोलर स्ट्रीट लाइट से जगमग होने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के सभी गांव कस्बों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद ही इसको लेकर बिहार में तैयारियां तेज है। वहीं इसी बीच अब इस मुद्दे को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के काम में पंचायत प्रतिनिधि सोलर लाइट लगाने के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसको लेकर खुद ही एजेंसी के द्वारा स्थल चयन कर लाइट लगाने का काम किया जा रहा है। इस काम की देखरेख ब्रेडा की तरफ से किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार गांव में लगाए जाने वाले स्ट्रीट लाइट में दूरस्थ सूचना प्रणाली भी लगाई जाएगी, ताकि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग आसानी से की जा सके। भ्रष्ट रजिस्ट्रार के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। बिहार में इन दिनों एक के बाद एक भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी निकल करके सामने आती रही है। इसी कड़ी में आज सुबह सुबह निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पूर्णिया के भ्रष्ट जिला अवर निबंधक उमेश प्रसाद सिंह के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। शुरुआती तलाशी में ही रजिस्ट्रार की अकूत संपत्ति का पता चला है। निगरानी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी के 3 घंटे की अब तक की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने करीब 20 लाख नकद, 1 किलो सोना समेत कई जमीन के कागजात बरामद किए। ये सभी बरामदगी खबर लिखे जाने तक की गई थी। निगरानी ब्यूरो की टीम बुधवार को पटना के राजीव नगर स्थित अजंता कॉलोनी के आवास और पूर्णिया स्थित सरकारी दफ्तर और आवास में भी छापेमारी करती देखी गई थी। चारा घोटाले के एक और मामले में आज पटना सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई। पटना सीबीआई की विशेष अदालत में बहुचर्चित चारा घोटाले के आरसी 63A 1996 की सुनवाई आज होगी। इसमें भी लालू प्रसाद यादव दोषी करार किए गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये भागलपुर और बांका कोषागार से फर्जी विपत्र के सहारे लाखों रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरसी 63A 1996 के इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 22 आरोपित हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आरके राणा, नौकरशाह बेक जूलियस, फूलचंद सिंह समेत पटना सीबीआई की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है। कांग्रेस जल्द ही जारी करेगी एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची। बिहार में चुनाव आयोग ने अब तक एमएलसी चुनाव के आयोजन को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लगातार जुटी हुई है। हालांकि एनडीए तो इस चुनाव में अपनी सामंजस्य को बिठाने में सफल दिखी, लेकिन महागठबंधन में टूट देखने को मिली, जहां राजद ने अकेले मैदान में उतरने की बात 21 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी करके साफ कर दी। वहीं अब कांग्रेस भी जल्द ही सभी 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी करने वाली है। इसके साथ ही कांग्रेस ने बिहार में महागठबंधन के टूटने की बात तक कह दी, जिसके तहत ही कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने साफ कहा है कि विचारधारा भले ही समान हो, लेकिन अब बिहार में महागठबंधन नहीं रहा। 21 फरवरी से न्याय यात्रा निकालेंगे तेज प्रताप। लालू प्रसाद यादव को बीते दिन डोरंडा कोषागार मामले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से ही राजद समर्थकों के बीच में सन्नाटा देखने को मिला। वहीं अब तेज प्रताप यादव ने 21 फरवरी से न्याय यात्रा निकालने की बात कही है। इस बाबत उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों को अपने नेता के लिए खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो भी बहाएंगे। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। सजा 21 फरवरी को कोर्ट तय करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लालू यादव को दोषी करार ठहराए जाने के बाद से लगातार लालू परिवार में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव का गुस्सा भी बीते दिन फैसला सुनाए जाने के बाद फूटा था। डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी लहरी ने दुनिया को कहा अलविदा। लता मंगेशकर के गुजर जाने के बाद आज सुबह सुबह संगीत जगत को एक और करारा झटका लगा। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। बप्पी हमेशा से फिल्मों में अपनी एक अलग आवाज और संगीत के लिए जाने जाते रहे हैं। पीटीआई ने डॉक्टरों के हवाले से इस खबर की
पुष्टि की थी। बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक इन्होंने गाने दिए हैं। आपको बता दें कि बप्पी हमेशा से फिल्मों में अपनी एक अलग आवाज और संगीत के लिए पहचाने जाते रहे हैं। इसके अलावा उनकी पहचान उनके सोने के गहनों से भी होती है। बप्पी लहरी का जन्म कलकत्ता पश्चिम बंगाल में शास्त्रीय संगीत के धनी परिवार में हुआ था। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार जारी है कमी। भारत में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30,615 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के कारण 514 मरीजों की जान चली गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 30,615 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो कल के मुकाबले 11% अधिक है। इस महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या 82,988 है। देश में 3,70,240 एक्टिव मामले हैं। मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में डेली पॉजिटिविटी रेट 2.45% है। वहीं भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 27,409 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,26,92,943 हो गई है। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 159 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,116 पर पहुंच गई है। इंग्लैंड को अपने खिलाड़ियों को आईपीएल खेलने से रोकना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के पूर्व कोच मिकी आर्थर ने बुधवार को कहा है कि इंग्लैंड को अपनी टेस्ट टीम में सुधार करने के लिए अपने खिलाड़ियों को इंडियन प्रीमियर लीग में भाग लेने से रोकना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की एशेज सीरीज 4-0 से हारने के बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम आलोचनाओं के घेरे में आ गई है, और इसी कारण मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड, बल्लेबाजी कोच ग्राहम थोर्प और प्रबंध निदेशक एशले जाइल्स को हटा दिया गया। पिछले साल के अंत में श्रीलंका के कोच के रूप में पद छोड़ने के बाद इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर में क्रिकेट प्रमुख का पद संभालने वाले मिकी आर्थर ने कहा है कि हाल के वर्षों में इंग्लैंड के खराब प्रदर्शन के लिए काउंटी क्रिकेट को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शंकर मुखिया, उमेश कुमार, कान्हा स्पेशल, राहुल बेचैनी, रीना मिश्रा, नुनू कुमार, ज्योति कुशवाहा, प्रिया यादव ऑफिशियल, आदित्य आनंद, नीतीश कुमार, प्रभा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपको बप्पी लहरी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।